गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थ्री का एसएसटी चैप्टर नंबर वन आवर यूनिवर्स आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पिछले वाली क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ाए थे, तो आप लोगों को द स्टार्स के बारे में बताए थे और द सन्स के बारे में, तो आज हम आप लोगों को द यूनिवर्स के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में हम आप लोगों को आज हम यूनिवर्स के बारे में बताएंगे और गैलेक्सी के बारे में बताएंगे, दो चीज के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला आप लोग अपने बुक पर देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डज द सन प्रोड्यूस सो मच लाइट एंड हीट, होता है क्या सूर्य जो है वो किस प्रकार ज्यादा गर्मी और ज्यादा लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, होता है क्या सूर्य जो है वो हॉट गैसेस का एक बहुत बड़ा बॉल है, एक गोला है। दिस गैसेस बर्न ऑल द टाइम एंड गिव्स हीट एंड लाइट, होता है क्या ये जो गैस है वो हमेशा ऑल टाइम ये गैस जलते रहता है और वही हीट देता है, जिसके साथ साथ लाइट देता है। आवर अर्थ रिसीव्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन विच मेक्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्लांट्स ह्यूमंस एंड एनिमल पॉसिबल ऑन अर्थ, होता है क्या हमारा जो पृथ्वी है वो उस लाइट को और हीट को रिसीव करता है सूर्य से, जिसके वजह से पृथ्वी में जो भी लाइफ है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, उसी के वजह से वो लाइट के वजह से, उस हीट के वजह से ही पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है। तो देखिए, द यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। द यूनिवर्स, तो द यूनिवर्स इज बिगर देन एनीथिंग वी कैन इवर इमेजिन, बोलता है क्या यूनिवर्स जो है वो बहुत ही बड़ा है, जितना हम लोग सोच रहे हैं या जितना हम लोग इमेजिन कर रहे हैं उतना बड़ा नहीं, हम लोग जितना इमेजिन मैं भी कर सकते हैं उससे भी बड़ा है ये यूनिवर्स। द सन द अर्थ मिलियंस ऑफ द स्टार्स एंड मच मोर आर कंटेन्ड इन द यूनिवर्स, बोलता है क्या सूर्य अर्थ और लाखों करोड़ों तारा जो है वो इस यूनिवर्स में समाया हुआ, इस यूनिवर्स में है। सबसे पहला हम कॉन्स्टेलेशन के बारे में जानेंगे, तो क्या ए ग्रुप ऑफ स्टार डेट फॉर्म ए पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन, बोलता क्या ग्रुप ऑफ स्टार, ऐसा ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पैटर्न बनाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या कॉन्स्टेलेशन। कभी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा स्टार मिलकर जो है एक पैटर्न पैटर्न बनाता है, चाहे किसी भी पैटर्न हो, चाहे वो शेर का हो, चाहे हाथी का हो, और बहुत सारा पैटर्न बनाता है, तो वो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर जो पैटर्न बनाता है उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। उसके बाद देखिए, द ऑरियन एंड द बिग डिपर आर द टू ऑफ द मेनी कॉन्स्टेलेशन इन द मिल्की वे, बोलता है क्या मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारा स्टार कॉन्स्टेलेशन है, जिसमें कि द ऑरियन और बिग डिपर जो है इसके दो एग्जाम्पल है। अब देखिए गैलेक्सी के बारे में, ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार इन दिस गैलेक्सी, होता है क्या एक बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार, होता है कि स्टार का एक बहुत बड़ा समूह उसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। ए गैलेक्सी ऑल्सो कंटेन डस्ट एंड गैसेस, होता है क्या एक गैलेक्सी जो है डस्ट और गैस को भी अपने साथ कंटेन किए रहता है। देर आर मेनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, होता है क्या यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। द सन विच गिव्स अस लाइट एंड हीट इज लोकेटेड इन द गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे, होता है क्या सूर्य जो हम लोग को रोशनी देता है और गर्मी देता है वो किस गैलेक्सी में स्थित है, उस जिस गैलेक्सी में स्थित है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो बस आज हम आप लोग को इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम द सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। आप लोग घर से जितना हम पाए उसको पहुंचाइएगा, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।